नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी कर्मचारी कार्य घंटे अधिनियम। पहला, ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी कार्य न होने पर आवश्यकता पड़ने पर कार्य के स्थान से जा सकते हैं। उत्तर गलत। दूसरा, स्लिप्ड शिफ्ट में ब्रेक अवधि के दौरान रेल कर्मचारी कार्य के स्थान से हट सकते हैं। उत्तर सही। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकता और सुविधा कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को रोस्टर में शामिल किया जाना अनिवार्य है। उत्तर सही। चौथा, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के दौरान 15 मिनट तक किए गए कार्य को ड्यूटी माना जाएगा। उत्तर गलत। पांचवा, पदों के वर्गीकरण में बदलाव के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है। उत्तर सही। छठवा, कार्यालय के लिपिक एक्सक्लूडेड में वर्गीकृत नहीं है। उत्तर गलत। सातवा, आरपीएफ के कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनिमय लागू है। उत्तर गलत। आठवा, अस्थायी कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनिमय लागू है। उत्तर सही। नौवा, रनिंग स्टाफ को स्थायी वर्गीकृत किया गया है। उत्तर सही। दसवा, ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए एलआर में 15% से 25% लागू है। उत्तर गलत। ग्यारहवा, दो ड्यूटियों के दौरान आधे घंटे से कम समय का अंतराल समय अनुमत है। उत्तर गलत। बारवा, अस्थायी तौर पर ड्यूटी के लिए 3 सप्ताह के लिए ट्रैक मशीन यूनिट पर बुक किए गए कर्मचारियों की ड्यूटी को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर सही। तेरवा, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में 7 उपखंड है। उत्तर सही।
14वां भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के उपखंड 131 में आवेदन की छूट है? उत्तर सही। पंद्रहवा भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में रेलवे कर्मचारी के सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण है? उत्तर सही। सोलहवा रेल कर्मचारी और ईआई या गहन कार्यरत के लिए नियम बनाने और घोषित करने की शक्ति रेल अधिनियम के खंड 15 में है? उत्तर गलत। सत्रहवा रेल मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? उत्तर गलत। अठारवा जंक्शन ना होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती हैं वह रोड साइड स्टेशन कहलाता है? उत्तर सही। उन्नीसवा कार्य घंटे और विश्राम की अवधि की गणना नियम 2005 के तहत भारतीय रेल स्थापना अधिनियम के उपखंड 2 के नियम 1303 के अनुसार साधारण दर से की जाती है? उत्तर सही। बीसवा ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमत है? उत्तर गलत। इक्कीसवा रोस्टर बनाते समय लॉन्ग या शॉर्ट को टाला जाए? उत्तर सही। बाईसवा यदि कार्य के स्थान से कर्मचारी का निवास 8 किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की गई स्प्लिट को सामान्यतः 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा? उत्तर गलत। तेईसवा नियंत्रण अधिकारी द्वारा लगाए गए समय की सकल उपस्थिति तय की जाएगी? उत्तर सही। चौबीसवा आपात स्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान से कम का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में अस्थायी रूप के तौर पर के कार्य के घंटे और रोजगार के नियम का निर्णय ले सकता है? उत्तर सही। 25वां रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवरटाइम साधारण दर से 1.5 गुना दिया जा सकता है? उत्तर सही। 26वां कार्य के तय समय के बाद की गई ड्यूटी के लिए ओवरटाइम साधारण दर से 1.5 गुना दिया जा सकता है? उत्तर गलत। 27वां से संबंधित कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम गणना की आवधिक अवधि साप्ताहिक है? उत्तर सही। 28वां स्थायी कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम गणना की आवधिक अवधि साप्ताहिक है? उत्तर गलत।
29वां, किसी भी गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। उत्तर गलत। तीसवा, किसी भी स्थायी वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। उत्तर सही। इकतीसवा, किसी भी ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। उत्तर गलत। बत्तीसवां, रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को माह के दौरान 5 बार 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। उत्तर सही। तैतीसवां, रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को 1 माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। उत्तर सही। चौंतीसवां, रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को 1 माह के दौरान 4 बार कुल 30 घंटे या 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। उत्तर सही। 35वां, ओवरटाइम भत्ते की गणना में महंगाई भत्ता डीपी और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता शामिल है। उत्तर सही। 36वां, श्रम मंत्रालय द्वारा रेल कर्मचारी को छूट देने का अधिकार है। उत्तर गलत। 37वां, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्य का विवरण महाप्रबंधक प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज सकता है। उत्तर सही। 38वां, मैट्रन को वर्गीकृत से छूट दी गई है। उत्तर सही। 39वां, वर्गीकरण के विरुद्ध 45 दिनों की समय सीमा में अपील की जा सकती है। उत्तर गलत। 40वां, रोजगार का वर्गीकरण संबंधी अपील क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को की जा सकती है। उत्तर सही। 41वां, रेल कर्मचारी को सुपरवाइजर घोषित करने की शक्ति श्रम मंत्रालय को है। उत्तर सही। 42वां, रेल मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेल कर्मचारियों को गहन कर्मचारी माना जाएगा। उत्तर गलत। 43वां, कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर
अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों को स्थायी माना जाता है। उत्तर सही। चौवालीसवां, कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों और ईआई की अस्थायी निर्धारण पद्धति के अनुसार की जाए। उत्तर गलत। 45वां, 24 घंटे के दौरान कार्य की अवधि सतत 5 घंटे और संतोषजनक विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया। उत्तर गलत। 46वां, लगातार 8 घंटे तक कार्य करने के बाद 1 घंटे विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया। उत्तर सही। 47वां, रेल कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान एक शिफ्ट में 12 घंटे की ड्यूटी पर 6 घंटे अधिक लगातार काम नहीं लिया जा सकता। उत्तर सही। 48वां, कार्य की अधिकतम होने पर ईआई में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 5 मिनट से कम समय में किए गए कार्य पर ध्यान ना दें। उत्तर सही। 49वां, एक सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक माना गया है। उत्तर सही। 50वां, केयर टेकर और रेस्ट हाउस के कर्मचारियों के लिए सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक है। उत्तर गलत। 51वां, सलून सहायक के सप्ताह में 72 मानक कार्य घंटे हैं। उत्तर सही। 52वां, नॉन रोड स्टेशन जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है, ईआई में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों और के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक हैं। उत्तर सही। 53वां, रोड साइड स्टेशनों जहां कार्य के स्थान से आधा किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, ईआई में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों और के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक हैं। उत्तर नहीं। 54वां, रेल कर्मचारियों के काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 3 घंटे अतिरिक्त तय किया गया है। उत्तर सही। 55वां, रेल कर्मचारियों और ईआई के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 24 घंटे अतिरिक्त के अलावा 6 घंटे सप्ताह में तय किया गया है। उत्तर गलत।
56वां रेल कर्मचारियों और ईआई के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 12 घंटे अतिरिक्त के अलावा 4.5 घंटे सप्ताह में तय किया गया है। उत्तर सही। 57वां प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में गेटमैन से सप्ताह में अधिकतम 3 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है। उत्तर सही। 58वां प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में रनिंग स्टाफ से आवश्यकता होने पर सप्ताह में अधिकतम 4 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है। उत्तर सही। 59वां प्राथमिकता और सुविधा कार्य के लिए 45 मिनट प्रतिदिन लगाए जाने पर कर्मचारियों का कार्य 1 घंटा माना जाएगा। उत्तर सही। 60वां रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवरटाइम दिया जा सकता है। उत्तर सही। 61वां को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।